Welcome back, class 4. Today I will teach the Hindi 2nd of chapter 2. Original looking book. Your chapter is word vichar. बच्चों देखिए आपकी बुक में दिख रहा है वर्ण विचार में कुछ चार चित्र दिए हुए हैं. इसके माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी. जैसे दिया हुआ है गाड़ी, हिरण, माला, सेब. तो बच्चों देखिए क्या वर्ण. बच्चों ऊपर गाड़ी, हिरण, माला और सेब के चित्र दिए गए हैं. जब हम इन वस्तुओं के नाम अपने मुख से बोलते हैं तो कुछ ध्वनियां निकलती हैं. जैसे गाड़ी बोलते समय ग में देखिए बच्चों नीचे हलंत लगा हुआ है, प्लस आ, प्लस ड, प्लस हलंत लगा हुआ, प्लस ई ध्वनियां निकलती हैं जो गाड़ी शब्द बनाती हैं. इसी प्रकार बाकी शब्दों को भी की भी ध्वनियां हैं. जैसे बच्चों देखिए हिरण, हा प्लस ई प्लस रा प्लस आ प्लस ना प्लस आ. माला देखिए बच्चों, मा प्लस आ, ला प्लस आ. सेब, स प्लस ए, बा प्लस आ. ये ध्वनियां ही हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहलाती हैं. भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण कहलाती है. बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं आपकी किताब में पुस्तक में दिया हुआ है, चित्र दिए हुए हैं और उसके माध्यम से आपको समझाया जा रहा है. तो बच्चों देखिए सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगी, किसी भी भाषा को सीखने की इच्छा रखने वालों को उस भाषा की मूल ध्वनियां सीखनी चाहिए. ठीक है, जैसे यदि हम अंग्रेजी भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, ए सीखते हैं ना, उसके ए से जेड तक लिखना सीख लेते हैं. उसी तरह हिंदी में भी जिस तरह हम ए से जेड लिखना सीखते हैं उसी तरह हम लोग आ से ज्ञा तक या आ से आहा तक लिखना सीखते हैं. तो बच्चों जो भाषा की आ से आहा तक सभी ध्वनियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो वर्ण कहलाती हैं. जैसे कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है ये ध्वनियां ही हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहलाती हैं. जब हम कुछ बोलते हैं मुंह से तो जो आवाज के साथ जो ध्वनि जो एक आवाज के साथ ध्वनि निकलती है वो क्या हो जाती है, वर्णी तो होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण ही कहते हैं. तो देखिए बच्चों जैसे दिया ये आप जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, ठीक उसी से वर्ण बन जाते हैं. ये ध्वनियां ही हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहलाती हैं. भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण कहलाती है. इनके और खंड नहीं किए जा सकते, इनके टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं. जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिनके खंड नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं. आपसे परीक्षा में पूछा जाए या क्लास में पूछा जाए, कक्षा में पूछा जाए कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं तो आप बताएंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं. अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार. वर्ण के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, दो प्रकार होते हैं. जब भी आपसे कोई पूछे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं तो आप बताएंगे वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन. आज हम लोग स्वर तक पढ़ेंगे. ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं. बच्चों फिर से पढ़ेंगे, ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती. जो स्वर होते हैं उनको किसी उनको बोलने के लिए किसी भी हम लोग को वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है. ठीक है, ये स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती. इन्हें ये कितनी होती है बच्चों, 11 स्वर होते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ. जैसे कि आप देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो बिंदी लगी हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए. इसको हिंदी में हम लोग बिंदी बोलते थे कि बिंदी लगाई, अब इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे अनुस्वार. क्या बोलेंगे, अनुस्वार. और जो ये चंद्रबिंदु लगा हुआ इसको चंद्रबिंदु बोलते हैं, इसको अनुनासिक बोलते हैं. ठीक है, अंतर्गत आते हैं अंग और आहवी वर्ण के अंतर्गत आते हैं. इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है.
इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। जब हमने अपने क्लास में बताया था बच्चों कि अगर नाक से आवाज निकल रही है तो ऊपर को बिंदी लगाते हैं, जैसे कि हंस, कंस, कंगन, जंगल, गंगा आदि। ठीक है, अब इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जब नाक और गले से आवाज निकलेगी तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे अनुनासिक चिन्ह लगेगा। इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। हम लोग बोलते हैं प्रातः, स्वाहा, सने बोलते हैं। मैंने बताया आहा की आवाज आती है तो वहां पे विसर्ग का प्रयोग करते हैं, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। बच्चों आज की क्लास इतनी ही। आगे इसी चैप्टर के साथ मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगी। तब तक आप लोग इतना ही पढ़ा हुआ इसको पुनः पढ़ें और इसको समझें। धन्यवाद।